ऑर्डर निकाला, या मैंने आपको कोई डॉक्यूमेंट सौंपा, या किसी बच्चे से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स आपको सौंपा गया, या कोई फाइल आपको सौंपी गई, आपकी डेली डायरी में वो चीज़ लिखी होना चाहिए कि मैंने इस व्यक्ति से आज ये फाइल लेकर उस पर ये काम किया और इस बार उसको लौटाई, दो दिन बाद लौटाई, तो दो दिन बाद की डेली डायरी में आना चाहिए। और जिस आदमी को लौटाई वो अपनी डेली डायरी में लिखेगा कि मैंने इनसे रिसीव किया। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि अभी पिछली बार ढेर सारी हमारे मतलब जो है आरटीआई लगी, उसमें एक दो कमियां आरटीआई वालों ने निकाल करके भेजी कि उसमें गौरव का, गीतांजलि मैडम का नाम अभी अजय प्रताप सर के साथ डाल दिया एक परचेसिंग में, जबकि ऑलरेडी उस परचेसिंग में सामान है, उसकी स्टॉक में एंट्री है। और अब मुझे उससे उसका क्लेरिफिकेशन मांगने के लिए इनको बोलना पड़ रहा है कि भाई बताओ आपने साइन कब किए थे, क्या बात थी, किसने करवाए थे। अगर इन्हें पता है तो ये बता देंगे, अदरवाइज जिस व्यक्ति ने वो लेटर बनाया, चाहे उसने गलती से बनाया, मतलब पिछले साल की स्पोर्ट्स कमेटी का नाम डालना था, उसने ये फरवरी में ज्वाइन हुए, पैसा फरवरी में दिया या फरवरी में चेक बना, तो इन्होंने पूछ किया कैसे भी उसने इस बार अगला साल लग गया तो अगले साल की कमेटी का नाम लिख के डाल दिया। लेकिन मैंने अभी ये पर्सन, आप में से कोई भी एम्प्लॉई कोई भी लेटर बनाएगा तो जहाँ प्रिंसिपल के साइन होते हैं वह आप लेफ्ट में अपने साइन करेंगे। वो लेटर जो दो तीन प्रॉब्लमेटिक निकले जिसके लिए हमने इंक्वायरी की, उसमें सब लोग नाराज भी होते हैं, डेफिनेटली अजय प्रताप सर को डाउट होगा, गीतांजलि मैडम को होगा, गौरव को होगा कि क्या चल रहा है। लेकिन मान लीजिए जिसने वो लेटर बनाया अगर वो अपने सिग्नेचर शॉर्ट में इनिशियल करता मेरे साइन के लेफ्ट में, तो मुझे आप लोगों से बात करने की जरूरत ही नहीं थी। मैंने क्या, कोई भी ऑफिस में अब कोई भी कार्यालय आदेश बनाए, निर्देश बनाए, आप मुझे कोई भी कागज दे किसी भी कमेटी का, तो कंसर्न कमेटी इंचार्ज का सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। मेरे साइन जहाँ रहेंगे उसके बगल में उस लेटर को बनाने वाले जिम्मेदार व्यक्ति के सिग्नेचर होना चाहिए ताकि पकड़ में आ जाएगा। और ये हमारे यहाँ नहीं चल रहा है, ये सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है आप देखें कि जितना, जैसे मेरे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई लेटर आया तो कौन से बाबू ने बनाया, उसके साइन रहते हैं लेफ्ट, प्रिंसिपल की सील या जो है डीडीओ की सील के लेफ्ट में साइन रहता है, तो बस समस्या ही नहीं भैया गलती किससे हुई, पकड़ में आ जाती है। क्योंकि हमने यहाँ पर ना तो कोई एक पैसे का गबन किया, ना हमारा कोई गलत इंटेंशन था। हाँ लेकिन ठीक है, सामने वाले ने जो आरटीआई मांगी तो हम इतने ज़्यादा उत्साह में आ गए कि उसको सारे कागज प्रोवाइड करवाओ, उसमें कार्यालय आदेश और रिक्वेशन नहीं लगी है तो उस समय नहीं बनाई खरीदते समय, तो आप बना के लगा दो, तो आप बना के लगाने में गलतियां होती है, ठीक है ना। तो अभी इस साल के लिए अब जो हो गया वो तो हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, आप अपनी अपने डिपार्टमेंट की परचेसिंग के लिए खुद जिम्मेदार रहेंगे, कोई भी कागज प्रस्तुत करेंगे, कुछ सिग्नेचर करेंगे, परचेसिंग प्रोसेस आपको पूरी करना है, किसी तरह की मिस्टेक हुई और ऑडिट का ऑब्जेक्शन आया तो आपको रिप्लाई देना, आपसे हम मांगेंगे जो आप बोलोगे वो हम लगा देंगे, ठीक है ना। जहाँ प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिंसिपल देखेगा। तो किसी भी तरह की कोई भी चीज़ होती है तो विद्यालय के भले के लिए होती है। और आप जो बोलते हैं कि इसमें अरे हमसे बाद में साइन करवा लिए, भैया बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ आपकी भलाई के लिए भी हमें बैक डेट में साइन करना पड़ता है। ऐसे कई एग्जाम्पल है कि आपको बचाने के लिए हमें बैक डेट में साइन करना पड़े, और हम करते भी ऐसा कि ठीक है पहले किसी चीज़ पे ओरल बात होगी। मान लीजिए मैं आप लोगों को जो निर्देश यहाँ पे दे रहा हूँ आपने लिख लिए, जो निर्देश दिए उसी को याद दिलाने के लिए बाद में आदेश भी दिया जा सकता है, ठीक है ना। कि भाई काम तो आपको बोल दिया आपको करना है, आप नहीं करेंगे तो फिर आदेश देंगे उसका, फिर रिमाइंडर निकलेगा, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो हम लोग आपस में मिलजुल कर एक मजबूत परिवार के सदस्य की तरह एक दूसरे से मतभेद और नाराजगी रखते हुए काम करें, लेकिन मन भेद न होने दें, मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है। हाँ, और आपको कभी कोई भड़ास निकालना हो, कोई नाराजगी हो प्रिंसिपल से, तो
तो बहुत सारा समय ऐसा रहता है जब मैं अकेला बैठता हूँ। 4 बजे बाद तो मैं वैसे ही अकेला रहता हूँ, तो आप बाकायदी ओपनली इन्वाइटेड, आपको जो भी कहना हो आप उस समय कह सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली मेरे समझ में आए, कई लोग बोलते भी है, नाराजगी जताते भी है, भाई इंसान इंसान है, सबसे गलतियाँ होती है। कई बार मैं भी जो है बोल देता हूँ स्ट्रिक्टली कि जहाँ स्थिति मुझे पता नहीं होती है, स्थिति पता चलने के बाद अपने आप आदमी नॉर्मल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप इम्प्लीमेंटेशन, आदेश निर्देश सूचनाओं का यथावत करें टाइम टू टाइम। देखो आदेश निर्देश प्रिंसिपल दे या DC दे या CBSE से आए या हायर अथॉरिटी ऑफ KVS से आए, हमको उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। जहाँ तक हो सकता है फॉलो करना है, और कोई कठिनाई आती है तो हमें रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर तरह से अपने अधिकार के प्रति जो जागरूकता दिलाने वाले सर्कुलर्स होते हैं उनको हम बड़े चाव से सर्कुलेट करते हैं, वायरल करते हैं। ठीक इसी तरह से अपनी ड्यूटीज से रिलेटेड जो सर्कुलर होते हैं उनको भी वायरल करना चाहिए, उनके बारे में भी अवगत कराना चाहिए। चलो ये चीज़ है। दूसरा कि ये एक समस्या ये आई थी कि मेरे सामने पहली बार ऐसा उपस्थित हुआ कि हम मान लो लोकल परचेसिंग कर रहे हैं, 2-3 लोगों को भेजा, तो जैसे जिस दिन आदेश दिया जिस समय आदेश दिया आप जाकर परचेस कर लें, लेकिन आपको अगर किसी वाहन से यात्रा करना है, कुछ खर्च करना है, एक्सपेंडिचर करना है लोकल मार्केट में भी, जनरली तो सबके पास बाइक वगैरह है, मेरी बाइक और मेरी कार में वैसे ही सबको लिए यूज़ करने के लिए दे देता हूँ ताकि अनावश्यक ऑडिट ऑब्जेक्शन न लगे। फिर भी अगर इस तरह की कहीं कोई ब्यावरा गया, राजगढ़ गया, कहीं भी गया, तो पहले आप उसकी अनुमति ले लें कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हमको इसमें इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद वो एक्सपेंडिचर करें। क्योंकि कई बार ऐसे एक्सपेंडिचर आते हैं कि 10 साल में कभी एक्सपेंडिचर हुआ नहीं, तो फिर वो एक अटपटा सा लगता है, हम लोग भी सोचने पड़ जाते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि TADA देने का प्रोसीजर तो TADA फॉर्म के ऊपर होता है, और आप ध्यान दें कि TADA जब आप सबमिट करें किसी भी प्रकार का, तो जो रूल है विद इन 1 मंथ या कितने दिन में आपको जमा करना है उतने दिन में जमा कर दें, और अगर उतने दिन से ज़्यादा हो गए हैं, 2 दिन 4 दिन या कुछ दिन ज़्यादा हो गए हैं, तो आप मुझे याद दिला दें कि सर आप इसको, मुझे कई टीचर बोलते हैं कि सर बैक डेट में साइन कर दो, कई बोलते हैं, और मैंने किए भी है, करते भी कि उसका नुकसान ना हो कि सर मैंने बोल दिया था ओरली आप ये चलो रिटर्न में मुझे बैक डेट में कर दो। तो बैक डेट में साइन कर देने से टाइम लिमिट में आपका कोई TADA रिकवरी नहीं होगा। कई बार ऐसी गलती आपसे जाने अनजाने में हो जाती है, जैसे अभी सब लोग इन सर्विस कोर्स में गए थे, 20-20, 21-21 हज़ार के सबके बिल थे, अमित सर के थे, आशुतोष सर के थे, दुष्यंत सर के थे, शायद अंकुश का भी था, और रणवीर सर वगैरह के थे जो चले गए यहाँ से। तो उसमें सब लोगों ने क्या किया कि ये लोग 21 या 20 मई को अपने घर लौट गए थे, तो इनको 21 जून तक वो लेटर, वो इनका जो क्या है वो सबमिट करना था। अब मुझे मालूम नहीं, मैंने अभी बिल देखा भी नहीं है, लेकिन ऑडिट ने उसमें सबके पास कर दिए आशुतोष की 21,000 रुपये रिकवरी निकाल दी कि इनने जो है टाइम बार हो गया, इन्होंने 26 जून को जमा किया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन समय मेरे ध्यान में दिलाया जाता कि सर इस स्टेप में कर दो, डेफिनेटली कर देता, और मैंने साइन में डेट भी डाली है, मुझे ये भी बता दें, वो बिल निकाल के देखना पड़ेगा। और ये UDC को उस समय तो परमानेंट UDC था, स्पेशली मिस्टर बमरेला जो थे UDC उनको देखना चाहिए था, उसने पास भी कर दिया, पैसा भी जमा कर दिया, तो ये चीज़ उसे भी ध्यान में देना। ये माइनर मिस्टेक है लेकिन ये बाद में मेजर हो गई। अब जब सामने वालों ने उस पर ऑडिट रिपोर्ट में अपनी नोटिंग कर दी, उसके बाद फिर स्पष्टीकरण देना और फेरबदल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो धाक की वाली बात है। हमारे स्कूल के अंदर कोई भी चीज़ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ बाहर गई उसके बाद वो हमारे उससे बाहर हो जाती है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, स्पेशली जब भी TADA का मौका हो। अभी तो कोरोना कोविड में ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। और एक सर्विस बुक के बारे में है, सर्विस बुक आप सब लोग बारी बारी देखिए, कई बार दिखा दिए, कई लोगों ने साइन ही नहीं किए, सर्विस बुक देखने के बाद भी साइन नहीं करते। मैं साल में 2 बार दिखाने का प्रयास करता हूँ, एक बार तो वैसे ही दिखाने का रूल है,
और आपको बोला है कभी भी आप फ्री हो योगेश वर्मा सर से बात कर लो, आप उनसे बात करके एक जना आए, एक बार में एक व्यक्ति, ठीक है ना, आए अपनी सर्विस बुक योगेश शर्मा सर की नज़र में देखे, आपको कोई भी उसमें कुछ करेक्शन की बात है, कोई प्रॉब्लम है उनको बता दे और अपना सिग्नेचर करे। कई लोग देख लेते हैं साइन नहीं करते, और आप इसके लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सर्विस बुक देखना हमारे लिए दिखाना कोई मैटर नहीं करता, आप जब चाहें देख, लेकिन जनरली जुलाई और जनवरी में दिखाई जाती है। तो अब जुलाई आने वाली है तो आप लोग देखें, और पिछली बार जो तिथियां थी देखने की जुलाई जनवरी की जिस डेट में आप प्रेजेंट थे आपने देखी है तो वो साइन करें, ठीक है ना। और कोई भी उसमें कोई चीज़ है तो अलग से कागज़ में लिख करके सर्विस बुक में लगा दें कि ये मेरे इसमें करेक्शन चाहिए, वो कर दिया जाएगा, या हाथों हाथ होता है तो हाथों हाथ करवा लें। लेकिन एक बार में एक व्यक्ति आए तो क्योंकि उसमें 10-15-20 मिनट लगते हैं, ठीक है ना। और आप अगर कहेंगे तो फिर एक साथ दिखाने की कोशिश करेंगे सबको, पर उसमें एक साथ सबकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता, तो वन बाय वन आप आ सकते हैं। ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। मैं कुछ ऐसे जो जनरली हमें ध्यान रखना है सभी को, क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर्स को मैं चीज़ें बता रहा हूँ, वो बहुत छोटी छोटी है। आपको मालूम है BPL का मामले में जो हमारा लेटर है उसके अकॉर्डिंग क्लास टीचर को वो रखना है, और एक कॉपी क्लास टीचर अपने पास रखे। अनुविभागीय अधिकारी हमारे देखो क्या है, BPL का रूल तो वही है कि BPL कार्ड होना चाहिए। कार्ड MP में किसी को आज तक इशू ही नहीं किए गए, लेकिन उनको BPL कार्ड धारी कहा जाता है। लोग कार्ड के नाम पे 10-20 साल पुराना वो लेके आते हैं राशन कार्ड, वो कोई BPL कार्ड के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हम क्लेरिफिकेशन के लिए BPL की वर्तमान स्थिति के लिए SDM को, जो डेप्यूटी कलेक्टर होता है, कलेक्टर का प्रतिनिधि होता है, उसको हम लेटर नोटशीट भेज देते हैं। वो किसी का पात्र लिख के भेजते हैं तो उसको हमें छूट है उसके बाद की तिथि से दे देना है, और उस कागज को संभाल के रखना है, बिना एविडेंस के हमें नहीं करना है, ठीक है ना। और ओरिजिनल लेटर जो है BPL की फाइल में रहेगा। तो जितने बच्चों का भी एक बार शर्मा जी ने शायद आप लोगों से लिया था, आपकी प्रत्येक क्लास में कितने बच्चों को 1-2-3 को BPL की छूट है उसका डिटेल आप शर्मा जी के साथ वेरीफाई करवा लें, योगेश शर्मा सर के साथ, तो पता लग जाएगी नंबर ऑफ BPL इतने हैं। क्योंकि ये डाटा कई बार हमसे मांगा जाता है। देखो 2-3 बार लेटर समर वेकेशन में आए हैं स्पेशली DC साहब के यहाँ से कि क्या कोई ऐसा पेरेंट है जिसका कोरोना की वजह से नौकरी चली गई हो, या माता पिता एक्सपायर हो गए हो, या माँ बाप में से कोई कमाने वाला कोई एक्सपायर हो गया और फीस जमा नहीं कर सकता हो, तो ऐसे पेरेंट की एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना है DC को, और DC ने हेडक्वार्टर ने डाटा मांगे थे तो वहाँ भेज सकते हैं। तो हो सकता है ऐसे बच्चों की फीस माफ हो जाए। तो आपकी किसी की भी क्लास में अगर इस तरह का मामला है तो आप योगेश शर्मा सर के माध्यम से मुझ तक कॉन्टैक्ट कर दें और उसकी जानकारी DC ऑफिस तक भिजवाने में सहयोग प्रदान करें। एनरोलमेंट पोजीशन में कई बार बड़ी तकलीफ होती है, एग्जैक्ट एनरोलमेंट पोजीशन अभी मैडम ने, यास्मीन मैडम ने जो वही प्रोफार्मा बनाया जो हमसे गूगल शीट में मांगा जाता है, तो आप उसे अपडेट करें। किसी का भी TC जाता है तो आप TC रिकॉर्ड को वेबसाइट पर अपडेट करवाएं, ये क्लास टीचर की जिम्मेदारी है हमेशा के लिए, कॉमन पॉइंट है। कोई बच्चा ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फी या लॉन्ग एब्सेंस की वजह से उसका नाम कटा है तो काटना जरूरी है। लॉन्ग एब्सेंस तो अभी चल जाएगी कोरोना में, लेकिन नॉन पेमेंट ऑफ फी अगर है तो आपको नाम काटना है उस बच्चे का और वहाँ एंट्री करना है। ये अभी हम वेरिफिकेशन करेंगे एक एक क्लास का। और देखो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई बड़ी बड़ी मुसीबत हो जाती है, ये क्लास टीचर कुछ काम नहीं करते हैं, इससे हर महीने क्लास टीचर को लास्ट वर्किंग डे को UBI का जो स्टेटस है फी डिफॉल्टर का वो प्रिंट आउट चिपकाना है। मैक्सिमम कई टीचर्स ने, अब मुझसे मांगा गया एक ऑडिट रिपोर्ट में कि 31 मार्च 2019 की स्थिति में कितने बच्चे डिफॉल्टर थे। तब आज उस बात को 2 साल हो गए, मैं कैसे रिप्लाई दूंगा। हाँ लेकिन क्योंकि वो अब UBI पे अवेलेबल नहीं है, 31 मार्च 2019 की नहीं है ना, 20 और 21 का अवेलेबल है। तो 31 मार्च 2019 की स्थिति में अगर टीचर्स ने उसमें चिपकाया है, सारे टीचर्स ने, तभी तो एग्जैक्ट डाटा निकलेगा। अब टीचर्स ने नहीं चिपकाया तो बताओ क्या करें। तो ये तो फिर गलती है, इस पर फिर लिखित में देना फिर परेशानी वाली बात है। तो आप लोग
अब 31 मार्च 2019 की स्थिति में जो पोजीशन है, जो उस डेट में क्लास टीचर्स थे, वो अपने स्टेटस की जानकारी यासीन शेख मैडम को दे दे, यासमीन को, ताकि हम वो डाटा अवेलेबल जितना हो जाता है उतना हम उनको कर दें, क्योंकि ये कुछ ही कक्षाओं में प्रॉब्लम होती, बाकी में तो सब में फीस आई जाती है। तो ये तो सारे साल का डाटा अप्रैल टू मार्च तक का बच्चों की फीस का, ये क्लास टीचर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अटेंडेंस रजिस्टर में भी फिलअप करे और एक ऑफिस के सिग्नेचर ले और प्रिंसिपल के सिग्नेचर ले। ये काम आप में से बहुत सारे लोग नहीं कर रहे, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अवहेलना है काम, तो आपको ये चीज़ कंप्लीट करना है, क्योंकि ये तो जिम्मेदारी फिर डीसी साहब तो मेरे नाम लेटर लिखते हैं ना, वो लिखते हैं कि डीडीओ होने के नाते तुमको ये सब चीज़ें टीचर को फॉरवर्ड से करवाना चाहिए और तुम करवाने में असफल रहे, तो एक्सप्लेनेशन दो। मैं दे चुका हूँ एक बार इसका एक्सप्लेनेशन। तो सिलेबस कंप्लीशन की इंफॉर्मेशन भी क्लास टीचर के पास होनी चाहिए, सब्जेक्ट टीचर को बताना है कि हमारा ये सिलेबस इस महीने का यहाँ तक कम्प्लीट हो गया। कंसोलिडेशन जो रिजल्ट बनाते हैं, क्लास टीचर की जिम्मेदारी है कि क्लास टेस्ट भी अगर लिया है, एक पहला क्लास टेस्ट सारे सब्जेक्ट टीचर ने, तो उनसे लेके कंसोलिडेटेड शीट बना ले, ताकि महीने के एंड में या कभी भी पेरेंट्स से बात की जाए तो उस कंसोलिडेटेड शीट की एक कॉपी मेरे पास भी रहे, तो मैं भी देख के बता सकूं कि आपके बच्चे को जो है सारे सब्जेक्ट का जो पहला टेस्ट लिया था तो ये सब्जेक्ट में उसकी ये प्रॉब्लम है, और ये रिकॉर्ड क्लास टीचर को रखना है। दूसरा, सारी एंट्री एडमिशन रिकॉर्ड से चेक करना, ये क्लास टीचर की ड्यूटी है, हमेशा बोलते हैं फी डिफॉल्टर का डिटेल लगाना है। और एक जो अभी जो एडमिशन चल रहे हैं, अब में क्या हो रहा है कि कभी मम्मी आ गई, कोई घर पे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो वो नहीं आया, या बीमार है माता जी तो वो नहीं आई, तो एडमिशन फॉर्म पे माता पिता दोनों के सिग्नेचर जरूरी है। क्लास टीचर को अभी एडमिशन फॉर्म दिए जाएंगे एंट्री के लिए, साइन के लिए, तो चेक कर ले, अगर किसी फॉर्म में माता पिता दोनों के साइन नहीं है तो पेरेंट्स को बुला के साइन करवाएं, ठीक है ना। अगर कोई कमी रह गई है एडमिशन कमेटी की ओर से तो क्लास टीचर उसे पर्सनली चेक करके और कमी को कंप्लीट करे, इसलिए है ना, प्रत्येक क्लास टीचर को एडमिशन के रूल्स मालूम होना चाहिए, है ना, तो सबको इसकी थॉरली स्टडी करना जरूरी है। इसी तरह टीसी भी आप देते हैं तो मम्मी पापा दोनों के साइन के साथ मंगवाइए, क्योंकि कभी कभी कोई केस ऐसा होता है कि माँ को पता नहीं है और दोनों पढ़ती रही और पिता ही टीसी लेके चले, हमारे साथ 4-5 ऐसे केसेस हो चुके हैं, इसलिए आप इस पे ध्यान दें। 4-5 केस हुए हैं देखो, एक तो रिद्धिमा वाला है, दूसरा एक वो जोया जो थी ना 11-12 में, उसके पिताजी तो मेरे से लड़ने आ गए परिचय होते हुए भी, भाई बोले आपने उसकी मम्मी के कहने पे क्यों टीसी दे दी और क्यों एडमिशन कर लिया, मैं बाबू मेरे से क्यों नहीं पूछा, वो तो यहाँ रह रही है, उसका पता इंदौर का है। मैं उन पे हस्बैंड वाइफ को कई बार उनको समझाया, यार तुम मत लड़ो और तुम हमको परेशान मत करो। तो अब ये एक वो त्यागी वाला मामला था जो मेरे पे आरोप लगा रहा था, तो ऐसे 5-6 केसेस हो गए। हाँ, उजिमा वो था, और वो भी बड़ा लफड़ा वाला था इससे कि वो उसकी मम्मी टीसी लेकर चली गई, वो भूरा पेंटर वाला, वो हमारे माथे आया, ऐसे 5 केस हो गए। कैसे आपने जाने दिया उसको, मैंने कहा यार जब तूने पत्नी को ही छोड़ दिया तो बच्चे पे काय कर दिया, मतलब ऐसे झगड़े हो गए उनको, उसने निकाल दिया घर से वाइफ को, अब वो क्या करेगी, अब वो बच्चों के बिना रह नहीं सकती, तो उनकी टीसी निकलवा के चली गई। तो ऐसे केसेस 50 में से 2-4 होते हैं, 100 में से 2-4 एकाध होते हैं, लेकिन इसीलिए अगर मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्लास टीचर की जिम्मेदारी, मम्मी पापा के साइन करवाए और देखे तभी मेरे पास आना चाहिए एप्लीकेशन, ताकि ये प्रॉब्लम ही नहीं हो, ठीक है। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं है तो वो कर ही देगा साइन, और अगर है तो हम सामने देखेंगे, आ जाओ उसके बाद करो, दोनों की सहमति होना चाहिए। तो ये कुछ क्लास टीचर्स के, बाकी के जो एजिटीज चलेंगे, जो पुराने इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लिया। सब्जेक्ट टीचर ध्यान दें कि एक क्वेश्चन पेपर कुछ तो बहुत बढ़िया बना रहे हैं, क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं, वर्कशीट बना रहे हैं, कुछ टीचर्स बता ही नहीं रहे हैं, हम भी नहीं देख पा रहे हैं,
इसके लिए हमने कुछ चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए मैं तीन तीन लोगों की कमेटी बना रहा हूँ, जो हर सब्जेक्ट टीचर ने क्लास टेस्ट लिया कि नहीं उस चैप्टर का, उसको देखेंगे, कॉपी भी देखेंगे, सॉफ्ट कॉपी जिसमें चेक किया, और मार्क्स भी देखेंगे, और फिर देखिए उससे हमें ये पता लगेगा कि कुछ टीचर्स ने किया है तो हम उसको ज़बरदस्त अप्रिशिएट भी करेंगे और उसको उसी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट भी बनाएंगे। जिन्होंने नहीं किया है उनसे आवेदन निवेदन प्रार्थना अपील और उसके बाद की जो भी प्रोसेस होती है वो चलेंगी, ठीक है ना, सलाह भी देंगे सुझाव भी देंगे, तो ये सब चीज़ें होगी। तो आप लोग सब बनाए क्लास टेस्ट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ईच एंड एवरी लेसन कंपल्सरी। चले जाओ अजय सर, ले जाओ भाई, मनी सर जा रहे हो, ले जाओ और बताना क्या रिपोर्ट है, ठीक है ना, ओके चलो देख। ठीक नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन पेपर फोर, क्लास टेस्ट के बाद यूनिट टेस्ट वन का सर ने शायद नोटिस निकाल लिया है, निकाले देखो यूनिट वन UT1 PT1 हाफ ईयरली टर्म 1-2 जितने भी टेस्ट होना है, आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक बनाई रखी है, सालों से पढ़ाई रहे हो, पुराने क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है ही, अभी का जो सिचुएशन और स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपने विवेकानुसार उसको एडवांस में बना के रखिए 2-3 सेट हर कस्टमर जब चाहिए, ठीक है ना, तो उसमें ईयर बदल दो, क्वेश्चन बदल दो, थोड़ा बहुत चलेगा 30% पुराना भी है तो, और कुछ नई जो अभी उन्होंने ऑब्जेक्टिव का जो नियम आया है तो ऑब्जेक्टिव आपको जोड़ना है, तो ये आप एडवांस में करके रहें। इसमें ये नहीं होना चाहिए लास्ट मोमेंट तक क्वेश्चन पेपर नहीं देते हैं एग्जाम में, फिर हम बना लेंगे क्वेश्चन पेपर तो हमारा बनाया हुआ जाएगा, फिर ये बात आप ध्यान रखें। तो कंटेंट आपका और हम फिर उसको मॉडरेट करवा सकते हैं, पढ़ाएं इस तरीके से कि कैसा भी क्वेश्चन आए बच्चा हल कर पाए, ज़्यादातर वही क्वेश्चन ना दे जो बार बार आपने हल करवा दिया है उसी को एग्ज़ाम में दे दिया, 30% चलेगा क्योंकि पास होना है बच्चे को, और बाकी तो आप चेंज कर सकते हैं ना। दूसरा, आपने कोई TLM बनाया है तो उस TLM आपने जो बनाया हमें बताए, वेबसाइट पर भी प्रदर्शित कीजिए उस चीज़ को, और TLM नहीं बनाया लेकिन किसी अच्छे TLM का उपयोग किया है जिसका प्रभाव रहा है तो उसकी भी जानकारी हमें दें। तो हर टीचर्स की सब्जेक्ट टीचर्स की जिम्मेदारी है कि उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाले ईच एंड एवरी चैप्टर में TLM क्या है वो लिस्टेड करें, एक ही बार लिस्टेड करना है, पहले से बनाया तो करना है, बाद में हर साल तो थोड़ा सा परिवर्तन रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। एक ये हमने ये पीरियड वाइज जो अटेंडेंस आपको लेना है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जब किसी टीचर की क्लास ऑब्जर्व करता हूँ तो पूरे 40 मिनट के दौरान 20-22-25 बच्चे से 30 बच्चे से ज़्यादा प्रेजेंट ही नहीं है जब भी मैंने कंसर्न टीचर की क्लास, लेकिन अटेंडेंस रिकॉर्ड में 60-70-80% कैसे आ जाता है ये समझ में नहीं आ रहा। ये स्पेशली कुछ टीचर्स क्या होशियारी कर रहे हैं, वो एक दिन बहुत बड़ा झटका लगेगा इसका, वो फिर उन लोगों को बचाने वाला नहीं मिलेगा कि किसी दूसरे टीचर का जो अटेंडेंस है उस पर थोड़ा हायर फेयर करके अपनी अटेंडेंस बना देगा। ये मेरा ऑर्डर नहीं है, विजय लक्ष्मी मैडम ज्वाइंट कमिश्नर का ऑर्डर है, पिया ठाकुर मैडम का ऑर्डर है, हमारे DC का ऑर्डर है, और उन्होंने ये लिखा है कि कितने बच्चों से आपकी जो अटेंडेंस है उसका रिकॉर्ड रखना है, आप कनेक्ट है, और जिस बच्चों बच्चा एब्सेंट नहीं है तो उसको आपने कब फोन किया, पेरेंट का क्या रिस्पांस था, उसको रिकॉर्ड करना है। तो ये चीज आप बहुत गलत तरीके से जो कर रही है समझ में ही नहीं आ रहा है कि अटेंडेंस है 25% और वो बना रहा है 70-80%, और कुछ तो क्या कर रहे हैं क्लास टीचर की जो अटेंडेंस है उसी को कॉपी कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं दूसरे टीचर से कि नेहा मैडम तुम दे दो, कुछ बोल रहे हैं गीतांजलि मैडम से कि तुम दे दो, है ना, क्यों दे दो, क्योंकि मैंने तो बनाई नहीं है, मैंने तो एंजॉय किया है और मैंने कभी इसकी परवाह भी नहीं की है, तो तुम्हारी कॉपी में करूँगा थोड़ा बहुत करके,
लेकिन ये ना आप एक बार ध्यान रखिए, आप ऐसे पहले भी बहुत कुछ सबमिट कर चुके हो, हमारे पास बड़ा ऐसा, आप जो भी देंगे वो सबमिट होगा, वो पत्थर की लकीर होगी, जिस दिन रेक्टिफिकेशन होगा समझ में आ जाएगा। और आप अब हम जो तीन लोगों की